हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और ब्लॉग की शुरुआत तो मैंने बहुत पहले कर दी थी, पर अभी मैं स्टार्टिंग का वीडियो बना रही हूँ कि ब्लॉग की शुरुआत हुई है नानी के घर में आके। नानी के यहाँ शादी है तो मैं वहाँ आई थी, तो वहाँ का मैंने ब्लॉग बनाया था। तो जो जिनकी शादी है उनकी भी थी तबीयत खराब, तो सबसे पहले वहाँ देवता बुलाया, देवता को नचाया, फिर उसके ऊपर थोड़ा बहुत जो भी देवता ने किया वो किया, और उसके बाद आगे शादी कंटिन्यू हुई। तो जब मैं वहाँ गई तो उस टाइम वहाँ देवता ही नाच रहे थे, तो मैंने वहीं से ब्लॉग शुरू करा। और इससे पहले कि मेरी एक वीडियो डिलीट हो गई है जो मैंने बनाई थी, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तो मैं दोबारा बना रही हूँ उस वीडियो को इस दुख के साथ। पता नहीं मुझे मिल भी नहीं रही दोबारा, पता नहीं कहाँ ही मिलेगी अब। तो आप जरूर देखना व्लॉग को, और शादी का पूरा व्लॉग मैं ऐसे पार्ट वाइज डालूंगी टू बी कंटिन्यूड करके ऐसे करके, तो जरूर देखना, क्योंकि अगर एक ही बार में डालूंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो देखना जरूर, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय गाइस, यहाँ पे देवता निकाल रहे हैं परमेश्वर है महाराज, सच्चा वो परमेश्वर है। खुद में पढ़ते हैं बस महाराज है, उसे बताई दे कि कम हो ना साफ कर दे जी भाई, बात है भाई वो बस क्या करियो, कम हो है वो क्या नहीं हुए हुआ महाराज है, दया करो भगवान। तू बैठ कर कुछ राजा तुम मरियो गोड़ बचाए तो भोत के बाप महाराज है, हे दयालु ऐ जे परमेश्वर विष्णु अवतार तू भगवान है, जिस भी छा प्रभु तेरे सामने शरणांगत तू है, कट लग दे नन महाराज है, तो रोड गाड़ उठाए और देख बान कना वो तो महाराज है, खूब चैन हो बस जो भी छा बताई दी वम तम करो दम तैयार विधि विधान से तू नहीं करू बस तुमने करू बस हो नहीं हो नहीं और तब सब सरकार सरकार बता नहीं दी जमाण पे लगे तन जमाणो था भयंकर परमेश्वर महाराज तेरा कुटुम पड़ो दयालु भगवान बोल बाजना नहीं लो हमें सुते ने और पड़ो के महाराज पर मैं सभी परिवार हैं कुछ हाँ खाल कर दे भगवान न्याला उन चैन कुछ उनते नहीं बचों क्यों राजी कुछ भाई बाबू भी चैन नहीं कुछ उनते हो नहीं सर भगवान है जान लो कुछ ना स्थान बताए थे तुम मेरा ना आया था सिल्वर दिनों मेरो बाला बंदूक रास लाए मैं दुपाए बाबत और बताया कि घर को दोस्त लोगों कुछ गैरो मुंजो मुंजो और बस जमान लगे हुआ ये तेरो पर आयो है ये तेरो पर आयो ठीक मैं तो जान ले भूमि कह के चली पड़ मैं है नहीं मकान में कर आए तुम पाठ पूजा कराए कुछ कुछ वजन हथपत हो पर भगवान है तू विचार तू इन बहुत कुछ करो तो कुछ सही
पे बहुत सारे लोग आ गए थे अभी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं आ गई अपनी नानी के घर में वापस। और यहाँ पे इसको देखो ये क्या कर रहा, सिस्टम पे गेम, ये है गेमर बिग बॉस में अरुण भाई। अरुण भाई कौन सा गेम है? पबजी, वैलोरेंट। कौन? वैलोरेंट। वैलोरेंट 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 भाई साहब, मैंने तो नाम भी नहीं सुने अनोख। तो अभी हमारे यहाँ रखे हैं देवता महाराज जी, तो मुझे उनके लिए बनानी है चाय, तो मैं बना रही हूँ। अयो मैं बना रही हूँ उनके लिए चाय। और ये जाली वाला दरवाजा इनका हो गया शायद खराब, बहुत जोर से लग जाता है। लाइट्स ऑन, लेट्स मेक अ टी गाइस। देखो मेरी चप्पल, सुंदर सुंदर चप्पल मेरी। अरे ये मम नानी निकाल रही है देवता महाराज के लिए सब्जी घर ले जाने के लिए। थोड़ा थोड़ा थोड़ी सी है अभी, खत्म हो रही है आजकल, दो चार दिन में उगेगी। यह केले का पेड़, इस पे लगते हैं केले, वो देखो लग रखे ना गाइस। यहाँ पे गाय रह गई है भूखी इन सब चीजों के चक्कर में, तो हमने देना है इसके पास घास निकाल के एक पुली, तो मैं दूंगी अभी इसको घास। चल ले, हट फंड जा, जा भाई फंड 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 फंड। ये गाय बहुत बदतमीज है, ये ना नीचे नीचे फेंक रही इस घास को। ले अब खा ले चुपचाप करके, अब फेंकेगी नीचे तो मारूंगी तेरे चमाट कस के। गाइस ये है मेरी नानी, घास के लिए आ रखी है। और ये है इनके खेत, ये देखो यहाँ पालक लगा रखा पूरा वहां तक, पर इसको बेच दिया सारा काट के, अभी अभी फिर से उगेगा दो चार दिन में। और ये है क्या ना, लहसुन ना, ये है लहसुन पूरी वहां तक, ये पूरे लहसुन के पेड़। और ये ऊपर वाली क्यारी भी है, इससे ऊपर भी है, और वो इन्होंने बना रखा पानी का टैंक, क्योंकि इनका ऊपर से पूरा नीचे तक पूरे ऐसे बोने वाले खेत हैं, हर जगह कुछ ना कुछ बो रखा है इन्होंने। और ये चल पड़ी नानी घास के लिए। गाइस यहाँ ऐसा है इमरजेंसी में, मतलब ना बोया हुआ घास रहता है उसको काटते हैं, जैसे अभी वहाँ बगल में शादी है मामा लोगों के यहाँ, तो अभी इमरजेंसी में फटाफट करके बो रखा है घास एक खेत में, तो उसको काट के अभी फटाफट ले जाएंगे बोया हुआ। और ये ऊपर तक बो रखा तो इसको फटाफट काट के भरेंगे और चल पड़े। और गाइस ये देखो, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ तुंगलू, तुंगलू बोल रहे ना यहाँ, तुंगलू छायो, तुंगलू ना आयो, तुंगलू तुंगलू इसको बोलते हैं, तुंगलू मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, पर गढ़वाली में इसको तुंगलू बोलते हैं। और इसका जो ये फ्रूट है, आय हाय क्या मस्त होता बोलिए, खाने के लिए मजा आता है इसको खाने में, पर थोड़ा खट्टा खट्टा होता है, जब ऐसा रेड रेड हो जाता ना ये, तब ये मीठा होता है, बाकी नहीं तो खट्टा होता है। और ये बहुत सारा है यहाँ, मैं इसको टपा के ले जाऊंगी बहुत सारा घर, देखो। अरे ये खट्टा मस्त होता, मस्त खट्टा खट्टा। ये देखो गाइस ये आ रखी है नानी के घर पे पंछी, जिनको बोलते हैं इलरा, हमारे यहाँ इनको इलरा बोलते हैं, बाकी मुझे नहीं पता आप लोगों के यहाँ क्या बोलते होंगे, पर हमारे यहाँ इनको बोलते हैं इलरा इलरा इलरा। गाइस ये चल रहा है यहाँ पे महिला संगीत, आज नाचने लगी।
थोड़ी देर में डीजे भी बजेगा, पर फिलहाल हमें पकौड़ी और चाय, और इसके साथ खत्म।